भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की मेरी पूरी टर्म में मुझे सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने बहुत सहयोग दिया। पॉलिटिकल राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में मेरे ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए गए, मैं उसमें पूरी तरह निर्दोष हूं, मेरा किसी प्रकार भी उसके साथ कोई संबंध नहीं है। पर जानबूझकर मेरे पार्टी को बदनाम करने के लिए मेरे नामों को बार बार उछालकर ये कोशिश की गई। कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को बार बार बदनाम करने की कोशिश एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में मेरे नाम पर आरोप करके की गई, तब मैंने सोचा कि एक बार इसकी इंक्वायरी पूरी हो जाए और मैंने तय किया कि मैं पूरी तरह से इस इंक्वायरी में जब तक निर्दोष हूँ तब तक मैं ये पद नहीं स्वीकारूंगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे सेकंड टर्म नहीं चाहिए और पार्टी नए व्यक्ति का विचार करें और जो भी हमारी पार्टी चयन करेगी उसके साथ मैं रहूंगा, उसके साथ पूरा सहयोग करूंगा और कार्य करूंगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भ्रष्टाचार की या किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और इसकी इंक्वायरी पूरी होगी तो निश्चित रूप से इसमें साफ सुथरा होकर मैं बाहर आऊंगा। तब तक मैंने कहा कि ये पद मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए मैंने खुद होकर इससे विड्रॉ होने का निर्णय किया है ताकि कारण न होते मेरे कारण पार्टी के ऊपर कोई आरोप ना लगे। कल तो नामांकन का कल तो ऐसा है कि पार्टी में जो निर्णय अभी तय हुआ उसकी चर्चा हुई है मेरे से, वो उसका नाम भरेंगे और वो उनके जो भी अध्यक्ष होगा उसके साथ मैं ताकत से खड़ा रहूंगा।